हमने बांधो है तेरे इश्क में हैराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश मेरा बाप भी इतना अमीर होता जितना सलार शाह का है, और काश सलार शाह मेरा बॉयफ्रेंड होता। इसी खुशफहमी में मैंने पूरा साल निकाल दिया कि एक बार ही सही मुझे देखकर मुस्कुरा तो ले। हारेगा ना वो जीतने वाले को 10,000 रुपए देगा। मंजूर है? मंजूर है। सलार शाह, आप क्या कहते हैं रोहित बाबू, कौन जीतेगा, सलार शाह या बाबर? मेरा मानना है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लगता नहीं है कि आज ये शर्तू जीतेगा। किसने कहा? मैंने। तो रोहित बाबू आप किस ग्रुप में? मैं इन जैसा नहीं हूँ, एक शरीफ इंसान हूँ, रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, इन गुंडों जैसा नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पैसे? हैप्पी बर्थडे सर, आपके फादर ने गिफ्ट और केक भेजा है, और ये चेक भी। वो खुद नहीं आए? सर वो एक डेलीगेशन के साथ बिजी थे। बिजनेसमैन, बिजी मैन। बाप है तुम्हारा वो? सर उन्होंने कहा है कि आप चाहें तो वीकेंड पर। मेरी तरफ से अपने बॉस को खुदाफिस कह दे। अबे जाना। सर ये चेक ले लें। आज की पार्टी सलार शाह की तरफ से। जूनी बेटा हो गई तैयार? जी अम्मी हो गई। आज पहला दिन है तुम्हारा कॉलेज का, सबका दे दूं तुम्हारा। आपकी दुआ साथ होगी तो सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस खुद को पढ़ाई तक महदूद रखना। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इतना बड़ा कॉलेज है, पता नहीं कैसा माहौल होगा। भाई इंसान माहौल खुद बनाता है, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह कामयाब ही होगी। इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अम्मा अब्बा का नाम रोशन करेगी, पढ़ेगी लिखेगी, लगेगी कलेक्टर, घर में खुशहाली आएगी, फूल खिलेंगे। अगर ये बातें हो गई हो तब हम चले। बहुत तेज हो गई अम्मा। चलो भाई तेज काम, चलो आ जाओ बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। हाँ असल में उसकी कॉलेज का आज पहला दिन है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाए। जी मैं उसे अभी बताता हूँ। जूनी। जी अबू। इरफान साहब का फोन था, उन्होंने रोयल से कह दिया है वो तुम्हें कॉलेज भी दिखा देगा और तुम्हें टीचर से इंट्रोड्यूस भी करवा देगा। पापा आप उनको मना कर दें, मैं खुद देख लूंगी कॉलेज, इतना मुश्किल थोड़ी है। बेटा इरफान भाई हैं, बिनता मुखलिस आदमी,
कितने तो एहसानात हैं हमारे पर। तुम्हारा एडमिशन भी उन्होंने करवाया और तुम्हारे कॉलेज के अखराज भी वही उठा रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर रोहिल तुम्हारे साथ होगा तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा, उसमें हर्ज क्या है? क्या हो गया अब्बा, कॉलेज जा रही है वो, कोई जिहाद पे थोड़ी जा रही है। चलो चलो भाई, वरना छोड़ के चली जाएगी हमें। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सलार, केक बहुत मजे का था। सलार भाई, पागल तो नहीं हो गया? ये क्या जिन की तरह नमोदार हो गया? जिन भी अनक वाला जिन। बोलेगा या मैं तेरी तरफ से बोलूं? बोल क्या रहा है? बोल वरना दूंगा एक कान के नीचे। सलार भाई, वो लेट फीस की वजह से एडमिन ने मेरा कार्ड जब्त कर लिया है। ये दे। सलार भाई। पहले ये पी ना सलार भाई के बेटे। वो सलार भाई, मेरी 3 महीने की फीस रहती है, अगर आप एडमिन से बात कर लेना तो मेरा फीस कार्ड वापस मिल सकता है और मैं कुछ बुक्स बोरो कर सकता हूँ। ये लो, फीस भर दो। सलार भाई, थैंक्स अलॉट, ये रकम मैं आपको जल्द लौटा दूंगा। पैसे की फिक्र मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, काबिल बनो, जाओ। सलार भाई, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बस ना, तुम्हें लगूं बाद में फीस भरने के बाद रोले, चल जा अभी। हाँ तो इस महीने के जितने चौंचले हैं आज शाम जाके ले आना। ओके बॉस। ओके सलार किधर है? अपने रूम में है। सलार, तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है? वे यार, अब कौन आ गया मुझसे मिलने? तुम्हारी मदर आई हुई है। तुम जाओ, मैं आ रहा सालार, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैरत, आपको याद है? ये दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? तभी आप हर साल सिर्फ इसी दिन आती हैं। और तो मिलने भी नहीं आते। चलो शुक्र है इस बार मिलने तो आ गए। मैं तो ये देखने आया हूँ कि क्या तब्दीली आई आप में। माँ कभी नहीं बदलती सालार। सही कह रही है, आप बिल्कुल नहीं बदली, वैसे की वैसी हैं। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ से ऐसे बात करते हैं? मेरी माँ मुझे कई साल पहले छोड़कर चली गई थी। तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी सालार, वो वक्त ही ऐसा था कि वो दिन का वक्त था, मैं आपके दुपट्टे में उलझ रहा था। मामा मत जाए, छोड़ो मुझे। अरे याद है आपने मुझे क्या कहा? धक्का देकर मत आओ मेरे पीछे, उसकी मौत तो मैं कभी नहीं आया। फिर आप क्यों आ जाती हैं बार बार? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सालार, मैं आ गई हूँ बेटा। देर हो गई है। ऐसा मत कहो सालार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। पता है मुझे 2 चीजों से बहुत नफरत है, एक मेरे बाप के पैसे से और दूसरा मेरी माँ की मोहब्बत से। दोनों झूठ। यहां मत आया करें,
प्लीज। अरे तो उसे क्या बता रहे हो मामा को, उसको अपने कामों से अपनी पार्टियों से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हारी तरफ देखेगी ना। तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए? अरे मैं कहां से टाइम लेके आऊं, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? सलार, जुबैर को बाबर के लड़के मार रहे हैं, जल्दी चल। बैट निकालो। विनेरा अशफाक ऑन टाइम, इंप्रेसिव। हाँ चलो, तुम्हें मेरे बाबा की मेहरबानी से इस कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। जी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। नो थैंक्स। क्यों? वैसे परेशान लग रही हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ तुम्हें। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ओके, चलो डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। नहीं, मैं खुद देख लूंगी। थैंक यू। मैं वहां पिट रहा था और तुझे इश्क माशू की सूझ रही थी। तुम्हारा काम तमाम होने से पहले ही आया हूँ। अच्छा, तो तू यही चाहता था कि पहले मैं अच्छी भली कुट खा लूं, उसके बाद तू हीरो की तरह एंट्री मारे।
भाई लग गई है। अबे चल तेरी मरम पट्टी करवाए, एक ही तो दोस्त है, क्या हुआ अगर तू मुझ पर नहीं गया? तुझे गोद लिया ऐसे थोड़ी ना लवारिस छोड़ूंगा, ये ले। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कि मैं गूंगी बहरी अंधी हो जाऊं। उसका बस नहीं चल रहा था कि उंगली पकड़ के चलाता मुझे। पता नहीं बाबा ने उसे इतना मेहरबान क्यों कर दिया है। ऐसे मेहरबान लोग अगर मेहरबानी करें तो समझो दिली दिल में कुछ मनवाना चाहते हैं। क्या मतलब? खैर छोड़ो मतलब उसके बारे में बताओ ना। किसके बारे में? कॉलेज से लेकर घर के गेट तक सब कुछ तो बता दिया। अरे वो ही गुंडा। मैंने उसका अच्छे लफ्जों में जिक्र नहीं किया था जो तुम पूछ रही हो। अच्छा ये तो बताओ कि देखने में हैंडसम लगता है? मेरा मतलब ऐसे बहादुर लोग, कुर्सी उठा दे मारने वाले, टशन से चलने वाले, ऐसे डैशिंग होते हैं ना। तुम फिल्में बहुत देखने लगी हो इसलिए फिल्मी हो गई हो। हाँ और आप उतनी ही बोर हो गई हैं। आपको तो आकर मुझे कहना चाहिए था। आज उसने मुझे देखा, उसने मुझे कहा माशाल्लाह बिस्मिल्लाह उफ। वैसे वो देखने में कैसा? चुप। चलो बेटा दोनों दूध पियो और सो जाओ। ले लो। पापा सो गए? हाँ ये मुझे दे। सो गए। सुनी। जी अम्मी। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलिए। देखो बेटा मेरी और तुम्हारे बाबा की यही ख्वाहिश है कि हम तुम्हें किसी मकाम पर देखें। तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी पढ़ाई, हम दोनों का ही ख्वाब है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटा कभी कभी दिल कुछ और ही चाहता है। मोहब्बत में मंजिलें बहुत सुनहरी लगती हैं, लेकिन वो इंसान को रास्ते से हटाती हैं। बस बेटा किसी से मोहब्बत मत कर बैठना। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेटा मेरा तजुर्बा बोल रहा है। मैं तुम्हारे लिए वो नहीं चाहती जो मैंने जिंदगी से सबक सीखा है। बस बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अम्मी आप परेशान नहीं हो, मुझ पे भरोसा रखें, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। चलो शाबाश, दूध खत्म करो और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हार और जीत मुकद्दर के खेल है। अगर ऐसी बात है तो हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। ये तो जीतने के बाद पता चलेगा कौन सिकंदर है और कौन सिकंदर आजम। लाजिम नहीं कि आप ही जीते। क्या पता इस बार मैं जीत जाऊं। देखते हैं। सलार मुझे एक बात बता, ये रोहेल की बाइक काफी चमक धमक रही है, नई ली है क्या इसने? ये चाहे जहाज देकर आ जाए, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा जैसे हमेशा जीतता आया हूं। We'll be right back.
जानती हो क्या? जानना जरूरी नहीं समझती। गुड फॉर यू। वैसे चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल ठीक हूँ। अंधे। अंधा? सड़क पर तुम चल रही थी। मैं सड़क पे चलूं या साइड पे चलूं या सड़क सर पे उठा के चलूं, तुम कौन होते मेरा एक्सीडेंट करने वाले? एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? और नहीं तो क्या, ये देखो तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। तो फोन ही तो है, पैसे दे देता हूँ, दूसरा ले लेना। ओ हेलो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पैसे का धोंस दिखाने की? अरे मार डाला ना, और इन्हें भी। देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अपनी रेस लगा रहा था और तुम सामने आ गई, और तुम्हें बचाने के चक्कर में पहली दफा जिंदगी में रेस हार गया हूं। तुम मुझे बचा रहे थे, ये बचाया तुमने? तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सड़क, ये कॉलेज, हर चीज को अपने बाप की जागीर समझते हो, और किसी का भी नुकसान कर दो, किसी को भी मार पीट दो, तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्सक्यूज मी, आपको पता है बात किससे कर रही है? अच्छी तरह से जानती हूँ, एक आवारा गुंडे सर फिरे अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से बात कर रही हूँ। लेकिन तुम ना मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद मेरे आसपास दिखना भी मत, वरना मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, समझे? हेलो सलार शाह, क्या है ये? क्या है वो? आपकी अच्छी भली इज्जत करके चली गई है और आप यहाँ चुपचाप खड़े हुए हैं। वो चली क्यों गई यार? ना अच्छा तो बोल रही थी। मिस्टर सलार शाह, वो आपको इज्जत देकर नहीं गई, बल्कि आपकी इज्जत की वाट लगाकर चली गई है, और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। वाह भाई वाह, हैरत है। हैरान तो मैं हूँ, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से पाला पड़ा है, और ऐसी लड़की जिसमें इतनी हिम्मत है कि सलार शाह को चुप करवा के चली गई। कुछ तो बात है इसमें। बात तो वाकई है, आप ये दिन कभी भी नहीं बोलेंगे। आप आज एक रेस भी हारे हैं और एक लड़की से भी हारे हैं। नहीं भूलूंगा, और उसे भी ये दिन जिंदगी भर याद रहेगा। तोड़ दिया इसने, पता नहीं अब अब्बा फोन लेके भी देंगे कि नहीं। दिल तो चाह रहा था कि इस फोन की तरह उसका मुंह। ये लो। ये क्या है? तुम तो मुझे अंधा कह रही थी, तुम्हें खुद भी दिखाई नहीं देता। मुझे सब दिखाई देता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे आसपास भी नजर मत आना। आसपास तब हम रहने वाले हैं, क्योंकि हम एक ही बैच में, और अगले 4 साल तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे myself, I don't care. अरे सुनो तो। अच्छा I'm sorry. देखो मैं जानता हूँ हमारी मुलाकात अच्छे तरीके से नहीं हुई, लेकिन मैंने तुम्हारा नुकसान किया और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये मोबाइल ले लो। मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये फोन देकर बताना चाहते हो कि तुम कितने अमीर हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। And it's not that expensive. Just shut up. मुझसे दूर रहना, समझे? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, हमें ना बस हमारी इज्जत नफ्स वापस लौटा दो। मुझसे दूर रहो, समझे? ओ भाई मैं जुबैर हूँ, जुनैरा नहीं हूँ। ये नाम है उसका? नहीं नहीं नहीं, बर्बादी नाम है उसका। चलिए मुझे दे दे। फरा? अरे यार, आप भी आ जाए सरकार ऊपर। थैंक यू सो मच सलार, अगर तुम उस दिन ना होते तो मैं तो एक्सपेल हो जाती। मैं इतनी अच्छी क्लास फेलो से हाथ नहीं धोना चाहता था। फरा लो, आ गई बर्बादी। मैं बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कैसे बैठ सकती हैं? जैसे बैठते हैं वैसे। क्यों आपको बैठना नहीं आता? नहीं बैठना मुझे आता, लेकिन किसी और की चेयर पे नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं होती ना। अच्छा तो ये बात है। जी आप समझ तो गई होंगी, काफी समझदार जो है। वो क्या है कि इस कुर्सी पे ना तो तुम्हारा नाम लिखा है और ना ही इसका। अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो तुम दोनों कहीं और जाओ। वैसे तो मैं अपनी कोई चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन तुम जो
तुम पे सब जायज है। मैं जुनैरा। जुनैरा कौन? दो टांगों पे चलने वाला इंसान। नहीं, तुम सालार की क्या लगती हो? मैं उसकी कुछ नहीं लगती। तुम्हें पता है ना कि सालार अपनी सीट किसी को भी नहीं देता और उसे तुम्हें दे दी। इंटरेस्टिंग। वो सीट अपने घर से नहीं लाया था, ना ही उसकी मलकियत है। तुमने तो उसे शट अप कॉल भी दी थी ना, और उसने तुम्हें सॉरी भी कहा था। ओ, ऐसी भी क्या खास बात है इसमें? जरा मैं भी तो देखूं। वही जो तुम में नहीं है। ओ माय गॉड, व्हाटएवर। चले? हाँ, आज। नेवर माइंड। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, लेकिन जान सकती हो। आखिरकार सालार की बड़ी तेज नजर है तुम पर। By the way, I'm Farah. एक और सालार की दीवानी। नहीं, मैं सालार की दीवानी नहीं। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि तुम्हारी हो गई हूँ। मेरी? क्यों? अरे भाई, कोई तो है जो सालार शाह को मना कर सकता है, कोई तो है जो उसको शट अप कह सकता है। बड़ी बात है। वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और कुछ नहीं। वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। एकेडेमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है उसका। By the way, होगा, लेकिन मैं उससे इंप्रेस नहीं हूं। ये फोन कहाँ बज रहा है? मेरा तो नहीं है भाई, मेरा जेब में रखा हुआ है। मुझे गरीब के पास तो फोन ही नहीं है। अच्छा, जाके देखो तो कहाँ से आवाज आ रही है। मैं देखती हूँ, मुझे आवाज वहां कहीं से आ रही है। एक सेकंड, इसमें से आ रही है। आप ही? ये तुम्हारा फोन है? अरे ये तो बड़ा महंगा फोन है भाई। ये मेरा फोन नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे बैग में आया कहां से? अच्छा बात तो करो, किसका फोन है? बाबा, ये मेरा फोन नहीं है। अरे फोन रिसीव तो करो। हेलो। हेलो, कैसी हो? फरा। फरा, ये फरा कहां से आ गई बीच में? तुमने अपना फोन मेरे बैग में क्यों रखा? नहीं, तुम्हारा है। कैसा लगा? हाँ, कल तुम्हें वापस कर दूंगी, और आइंदा ख्याल रखना। मेरी दोस्त फरा अपना फोन मेरे बैग में भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई भाई? टूट जाता, गुम हो जाता तो कहां से भरते फिरते हम। बहरहाल कल वापस कर देना, और आइंदा ध्यान रखना। तुम्हारा अपना फोन कहां? मेरा फोन टूट गया है। क्या, टूट गया? अरे कितनी मुश्किल से लेकर दिया था तुम्हारे बाबा ने तुम्हें। अच्छा बस, मैं दूसरा ला दूंगा, परेशान मत करो। फोन तो दिखाओ। बहुत ही महंगा फोन है। मोबाइल तुमने मेरे बैग में रखा था? हाँ। क्यों? जब मैंने मना किया था कि मुझे ये फोन नहीं चाहिए, तो फिर क्यों की ऐसी हरकत? क्योंकि हरकत में बरकत होती है, और ऐसी भी क्या चीज़ है, एक मोबाइल ही तो है। मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए, और ना ही कोई एहसान। एहसान नहीं, मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ा और नया लेके दे दिया।
सिंपल एज दैट। तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है ना किसी की खुददारी के साथ खेलना। मैं ऐसा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम जैसों के सामने हाथ भी नहीं फैलाती हूँ, समझे? सोनी तुम इसको रॉन्ग वे में ले रही हो, प्लीज। रॉन्ग तुम हो, मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। मैं जूनी हूँ, कम अज कम तुम जैसा बंदा मुझे अपनी किसी भी बात से इंप्रेस नहीं कर सकता। क्या हुआ जूनी, ये तुम्हें तंग कर रहा है क्या? क्या किया तुमने इसका था? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैं कोई भी हूं इसका। तुमसे कहा था दूर रहने को, तो इसका मतलब है कि दूर रहना। अगर आज के बाद से मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता कराओ इसका जूनी के साथ किसी भी किस्म का कनेक्शन हो तो कुछ दिनों के लिए कल्टी करो इसे। आटे की बोरी है जो कल्टी कर दें। क्या बात है जूनी, इतनी चुप चुप क्यों हो आज? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम वो आजाद पंछी हैं जो दिन ढलते ही कैद कर लिए जाएंगे। हाथ बंधे हैं हमारे, सांस भी एक मिकदार में लेनी होगी। ऐसे लगता है जैसे किसी के एहसान तले दबे हैं। I like you. वाह क्या बात है। मसला क्या है? बोलो। कुछ नहीं। अच्छा बताई ना सालार ने आज क्या किया? वो क्या हर रोज कोई तमाशा करे जो तुम्हें आके बताऊं उसकी कहानी और तुम मजे ले लेके सुनो? तो आपके पास उसके अलावा और होता क्या है? वैसे एक सच बात बताऊं, मुझे ना वो अच्छा लगने लगा है। खैबाना तारुफ, एक पिक्चर ही ले ले मेरे लिए। ओ अब भी याद आया, बेचारी गरीब के पास तो फोन ही नहीं है तो पिक्चर कैसे लेगी। चले कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप ना मुझे एक दिन मिलवाने ले जाइएगा उससे, क्या ख्याल है? क्या कर रही हो? क्या पता फोन मिल जाए। पागल हो गई हो तुम? मेरा बैग रखो वापस। ये क्या है? सॉरी खुददार लड़की सलार। ओह स्वीट, सॉरी कह रहे हैं वो आपको। अल्लाह माफ कर देना उस बेचारे को, कहां मिलते हैं ऐसे कदरदान लोग, वो भी इतने रोमांटिक। छोड़ो इसे तुम। आप ना छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ने वाला लड़का नहीं है। तुम तो पता नहीं क्या क्या बोल रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। ये भी पकड़ो उधर रखो, चलो उठो। लाइट्स ऑफ करो। मैं, लेकिन मैं कैसे? रोहेल, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो किसी किसी को ही मिलती है, और फिर चंद दिनों की तो बात है, तुम्हें कॉलेज की तरफ से ये असाइनमेंट दिया जा रहा है जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये तुम्हारे करियर में भी हेल्प करेगा। शो सर, मैं जाऊंगा। गुड बाय। गुड, थैंक यू। मैं स्कॉलरशिप पढ़ो। आई थिंक
टॉपिक इज क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन अबाउट टॉपिक? नो सर। आप लोगों को रिसर्च टॉपिक असाइन कर दिया गया है। जिस ग्रुप की कारकर्दगी सबसे बेहतर होगी उसे टेक्सटाइल कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सर, रिसर्च वर्क के लिए टाइम कम नहीं है? नहीं जुनेरा, इसी टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होगा। ओके सर। आपकी क्लास में से दो दो स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा और बाकी की तफसील आजादे आपको बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। माहम फैसल, फरा जुबैर, सोलार एंड जुनेरा, रामेश एंड अलीना, शाहरुख एंड वर्दा, अमार एंड फरा, हमाद एंड मिस सलार शाह, मरियम एंड फैसल, अनास एंड इसे इतना बड़ा नाम भी नहीं है। Yes. Sir, can I change my partner, please? Why? I think Salar Shah is a good student. Sir, मुझे उनके साथ इस project पे काम नहीं करना। Please मुझे किसी और के साथ team up कर दें, please. Sorry, it's done. अब कोई changing नहीं हो सकती। And Zunera, if you want this scholarship, you have to work hard. Good luck. हेलो पार्टनर, काम शुरू करें। कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? जूनी, मुझे तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना। अच्छा, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो सूदी चढ़ जाऊं। मेरे कुछ रूल्स हैं जिन्हें एक्सेप्ट करके तुम्हें साइन करना होगा, फॉलो भी करना होगा। मंजूर। रिसर्च वर्क के दौरान सिर्फ उसी पे बात होगी। मतलब सलाम का जवाब भी नहीं दोगी? तुम मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाओगे। Means no left. और इस प्रोजेक्ट के अलावा तुम और मैं एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। मतलब हम आपके हैं कौन? बोलो, मंजूर है? अच्छा यार, मंजूर। ठीक है, हम कल से काम शुरू करेंगे। अभी मैं कुछ बुक्स बॉरो करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें जो सोर्स अच्छी लगती है उस पे नोट्स बना लेना। तुम्हें टॉपिक तो पता है ना? नहीं, ये भी आप बता दो। How to overcome poverty? है? इसमें रिसर्च की क्या जरूरत है? सबको पैसे तो अमीर हो जाएंगे। ऐसा तुम करना जब तुम्हें इस मुल्क की कुर्सी दे दी जाएगी। जरूर। मैं जा रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। कैसा जवाब हुआ? मुझसे ऐसे ही जवाब की तवक्को रखना। मेरी तवक्कोआत बहुत बड़ी है। मुझसे वापसता मत करना। मगर तुमने रूल्स पे साइन करने का वादा किया था, याद है ना? कौन से रूल्स? ओ अच्छा, वो बेकार वाले। काम से हटके कोई भी बात नहीं करोगे और ना ही बिला वजह मुझसे फ्री होगे। और अगर मैं ऐसा करूं तो? तो मैं चाह रही हूँ। क्या है यार जूनी, तो हर बात पर तुम उठ जाती हो। सिर्फ काम काम और काम। ओके, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने अमीर हो, तुम्हें क्या जरूरत है स्कॉलरशिप की? वो तो तुम्हारे साथ रहने के लिए। ऐसे क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। मेरे साथ रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? हाँ। दोगले इंसान से मुझे बात नहीं करनी। दोगला? ओके, तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह इतनी जल्दी खुशफहमी पाल लेती हो। मैं मजाक कर रहा था। मेरा तुम्हारे साथ मजाक का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो बन सकता है, लेकिन आई नो तुम बनाना नहीं चाहती। एनीवेज, काम की बात। ओके, और तुम आइंदा ऐसी कोई भी घटिया बात नहीं दोहराओगे।
सुनी तुम क्या हो यार, हर बात पर इतना सीरियस हो जाती हो। तुम किसी को अच्छी लगो उसमें घटिया बात क्या है? तुम में इतने डाउट्स क्यों है कि तुम सिर्फ साफ सुथरी अच्छी पा किरदार बनी रहोगी? मतलब इस कॉल से निकलो सीरियसली। जूनी, मैं जानता हूं रोहिल के बारे में, इसने जो तुम्हारे लिए फंडिंग की है। देखो मुझे पता है स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मेहनत कर रहे हैं और ये स्कॉलरशिप हमें मिलेगी, लेकिन क्या ये सब अच्छे तरीके से फ्रेंडली माहौल में नहीं हो सकता? चलो मैं आवारा हूं, लेकिन तुम मेरे साथ बहुत महफूज हो, मुझसे डरो नहीं सोनी। मुझ पर भरोसा करके कदम बढ़ाओ। छोड़ो, इधर आओ। क्या? आओ तो। क्या, कहाँ लेके जा रहे हो? इधर आओ। वो आओ तो। क्या है? देखो ये हवा, इधर ये समा। हाँ तो ऐसे करो। ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी में तो सुकून है, करो भी। बैग रखो यहाँ पर। नहीं, देखो पूरा कॉलेज देख रहा है। सबको भूल जाओ, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर, ट्रस्ट मी। खोलो आंखें, बंद करो, क्लोज योर आईज, खुला सांस लो, गहरा सांस, कहो मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। क्योंकि 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 वजह तुम हो। कहाँ चली गई थी? तुम्हारे लिए चाय ऑर्डर की है। हेलो, क्या हुआ? वो कल रिसर्च वर्क के लिए जाना है, कुछ बस्तियाँ और फुटपाथ पर। मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें चले जाएंगे। नहीं, मैं गाड़ी पे नहीं जाऊंगी। तो मेरी बाइक खड़ी है, उस पर चले जाएंगे। नहीं। तो फिर कैसे जाएंगे? कल ही बताऊंगी। बहुत गर्मी है ना? बहुत।
पहले कभी बस पे नहीं चढ़े। मैं उड़ते हुए प्लेन में और चलती हुई ट्रेन में चढ़ सकता हूँ, बस क्या चीज है। मैं फ्रंट डोर से चढ़ूंगी, तुम बैक डोर से आना। अबे भाई जगह दो, क्या धक्के दिए जा रहा है यार। धक्के मैं दे रहा हूँ, तुम दे रहे हो। अबे ओए भाई रोको रोको रोको। क्या कर रहे हो ये, बस ने बस करवा दी तुम्हारी। किस किस्म के जंगली लोग हैं, दिखा था धक्के कैसे दे रहे हैं। ये नहीं कि एक-एक करके चढ़े। ये गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास, मिस्टर सलार शाह, ये इनकी पूरी जिंदगी है। दूसरी बस पता नहीं कब आएगी। भाई ये क्या, अब इसे मिस नहीं करवा देना, बैठो आके। शक्ल क्या देख रहे हो, बैठो। अबे भाई इन लोगों को आराम दे बेड नहीं चाहिए सोने के लिए, बल्कि दो गज जमीन कोई अपना बिस्तर समझ के सुकून की नींद सो जाते हैं। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान नहीं चाहिए, बल्कि चंद अच्छे दोस्त ही काफी। खाने के लिए लवाजमात से भरी हुई टेबल नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ एक वक्त की रोटी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले हमें इनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनानी होंगी और फिर अच्छा सा कैप्शन लिखना होगा उस पर, बताना है कि ये लोग गुर्बत में किस तरह इन झोंपड़ियों में रहते हैं और हम लोग इनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। ये तो भी बता देते हैं। अपना काम छोड़कर मैं तेरे पीछे बाजारों के धक्के खा रहा हूँ। फिक्र ना कर, तूने अकेले धक्के नहीं खाए। अच्छा चल हिसाब बराबर हो गया फिर तो। जो सब बोला था वो ले आए हो? हाँ हाँ, आगे तक देखे सब फुल है। तो कसम से बहुत ये क्या हो रहा है? अब देखती जाओ। तुम इन सब की गुर्बत इस तरह से खत्म करोगे? ये हल है इनकी गुर्बत, तो मैं खत्म नहीं कर सकता, ये तो सरकार का काम है। लेकिन इनके मुरझाए हुए चेहरों पर कुछ पल के लिए ही सही, उसको राहत तो ला सकता हूँ। खुशी चाहे एक पल की क्यों ना हो, याद हमेशा रहती है। जो मिल गया साथ।
कौन छुपा है इस मुस्कुराहट के पीछे? कोई भी नहीं। क्या हो गया बहना, हमसे ना छुपाना, हमसे ज्यादा और कौन जानेगा? बको मत, दरवाजा बंद करो जल्दी से। तुमने फिर से वही हरकत की, ये क्या है? सुधरने की कोशिश की पर नाकाम हो गया। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि ऐसी हरकत मत करना, और ये फोन कब रखा तुमने? देख लो, रख भी दिया और तुम्हें पता भी नहीं लगा। कल मैं ये फोन तुम्हारे सामने तोड़ूंगी, फिर शायद तुम बाज आ जाओ। तोड़ देना, मैं दूसरा लेके दे दूंगा। सुनी, तुम समझती क्यों नहीं हमारा कितना जरूरी है बात करना? और वो क्यों? मैं अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ डिस्कस करना होता है, और अगर साथ मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सलार, मैं ये फोन नहीं रख सकती हूँ। अच्छा, एक काम करो, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो तुम तोड़ देना, वो भी मेरे सर पर। ये बात तुम्हें कितनी अच्छी लगी? अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे बताओ कितना काम रहता है। सर, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, एक दो दिन ठहरे, आपके पसंद के सारे खाने बनवाए। अमीशा, अमीशा, क्यों चिल्ला रही हो और क्यों आई हो यहाँ पे? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। सलार यहाँ से नहीं जाएगा, वो बेटे को यहाँ से जाएगा। I say get out! बस सलार, सालार के लिए लड़ रहे हैं, मुझे इस दुनिया में लाने वाले मुझ पर लड़ रहे हैं। बहुत देर कर दी, मैं इंसानों कोई खिलौना नहीं। आप कहते हैं यहां रहूं, इस घर में और हॉस्टल में कोई फर्क नहीं। मैं सालार शाह, करोड़ों का मालिक, महलों में रहने वाला अकेला तन्हा हूं, क्योंकि मेरा घर कोई नहीं जहाँ सुकून हो, जहाँ माँ हो, जहाँ बाप हो, कोई मेरा भी तो अपना हो, कोई मुझे भी तो समझाने वाला हो। सलार बेटा, अंदर चलकर बाद में बात करते हैं। नहीं, बाद में क्यों,
अभी मैं आपके लिए कठपुतली हूँ जो आपके इशारों पर नाचेगा और आपके लिए खुद से उतार कर फेंकने वाला बोझ। सालार, ये ले। जिसने ये पहले उठाया सलार शाह उसी का हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा कीमत तो नहीं है ना मेरी। स्कॉलरशिप पर हम कहाँ है वो? कौन? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारा दोस्त और कौन? ओह सलार शाह, पता नहीं। हद होती है, अभी तक नहीं आया वो। कितना लापरवाह है, बददिमाग। मुझे उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, इस काबिल ही नहीं है वो। एक सेकंड सुनी, तुम्हारा मसला क्या है? तुम सलार को हमेशा इतना गलत क्यों समझती हो? उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो चाहता है कि ये स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? जूनी, तुम नहीं जानती, लेकिन जिस स्कॉलरशिप के लिए तुम मारी मारी फिर रही हो ना, वो स्कॉलरशिप हमारे बैच को सलार की वजह से ही मिली है। और तो और, जो कंपनी इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर कर रही है ना, वो भी सलार के डैड की है। जब सलार को पता चला ना कि रोहेल तुम्हारी एडमिशन फीस दे रहा है, तुम्हारी एजुकेशन फंड कर रहा है, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुम्हारी मदद करना चाही और तुम उसे ही गलत समझती रही। पता है जुनी, ये सब कुछ ना तुम्हें प्लेट में रख के नहीं मिला, ये सब सलार ने किया है, क्योंकि उसके जज्बात तुम्हारे लिए कुछ और ही हैं। और मैं जानती हूँ कि उसके जज्बात सच्चे हैं, क्योंकि मैं तुमसे पहले उसकी दोस्त हूँ। सलार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वो दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता है। स्कॉलरशिप की? वो तो तुम्हारे साथ रहने के लिए ऐसी। सब भाग क्यों रहे? यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। फहीम की गाड़ी से मोहल्ले के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और वो लड़का ऑन स्पॉट मर गया है। वो मोहल्ले के लोग यहाँ पे इंतजाज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। चलो सारे भाई ऊपर से खाली गिराओ सारा। तू प्लीज निकल जा यार। जूनी कहाँ है? मुझे क्या पता जूनी कहाँ है यार। सलार, इनके सर पर खून सवार है, कुछ भी हो सकता है। बाइक स्टार्ट कर। तू बाइक लेकर हॉस्टल जा, मैं जूनी को देखने जा रहा हूँ। सलार, आगे।
शकुनी। सलार, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अभी तक घर क्यों नहीं गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम कल आए क्यों नहीं? निकलो यहाँ से। क्या हुआ है? मुझे बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे लिए? चुनी, बाहर दंगे हो रहे हैं, लड़कों ने हर चीज को जला दिया। चलो, अब तुम बात को बदलो मत। अभी सब कुछ ठीक था। मुझे ये बताओ, वो स्कॉलरशिप तुमने किया है ना ये सब कुछ? हाँ किया, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। प्लीज चलो। तुम कहाँ थे? चुनी, जानुम से निकलो, फिर तुम्हें सब बता दूंगा। चलो। सालार, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। अगर बच गई तो आगे फ्री में पढ़ लेना। निकालो सबको यहाँ से। जैसे देखो मार डालो सालों को, पीटो, चलाओ, छोड़ेंगे नहीं सालों को। सुनी, सुनी। मार देंगे वो, हमें जला देंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पापा वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं परेशान हो रहे होंगे। सुनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। चलो चलो। अंकल, जुनैर अभी तक घर नहीं आई? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन खैरियत क्या हुआ है? अच्छा, वो कॉलेज में हंगामा हो गया, मुझे लगा कि वो घर आ गई होगी। हंगामा? या अल्लाह, कहाँ होंगी मेरी बच्ची? अरे आप खड़े क्यों हैं? जाकर पता करें ना। हाँ हाँ, चलो बेटा। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी? सुनी के कॉलेज में हंगामा हो गया और सुनी अभी तक घर नहीं पहुंची। याला, सलार, मेरा घर आ गया। तुम्हें चोट आई होगी। तुम सुनी, तुम जाओ प्लीज। सलार, तुम्हें छोड़ के कैसे चली जाऊं? मुझे कुछ नहीं होगा, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तुम प्लीज अंदर चली जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तुम पहले जाओ। जब तक तुम अंदर नहीं चली जाती, मैं यहीं खड़ा हूं। प्लीज चली जाओ। अब मैं देखता हूं। सोनी, तुम कहां थी? तुम्हें पता घर वाले कितने परेशान हो रहे थे। बस मैं तुम्हें कॉलेज, कैसी हो तुम? रोहिल बता रहा था कि तुम्हारे कॉलेज में झगड़ा हुआ है। तुम ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक? हाँ बेटा, झगड़े के टाइम पे तुम कहाँ थी? मैं लाइब्रेरी में थी। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि जल्दी आ जाया करो, अब पढ़ाई के लिए क्या जान गवाओगी अपनी? एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें छोड़ने के लिए कौन आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा। बहुत
परेशान लग रही है ये। चलो बेटा अंदर चलो, आराम करो। मुझे ये बताओ, वो स्कॉलरशिप तुमने किया है ना ये सब कुछ? हाँ किया, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो आज? पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। क्या मतलब क्या? वो सलार, क्या सलार? पता नहीं क्यों मेरी इतनी परवाह करता है। मुझे बचाया, पता नहीं क्यों मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई। हर जगह नजर आ रहा है अपनी उस मखसूस मुस्कुराहट के साथ। उसकी बातें, उसके जुमले मुझे पागल कर देंगे। लेकिन ये पागलपन तो नहीं है। तो फिर क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत? और नहीं तो क्या? जहां पर सालार हो और जूनी को मोहब्बत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्या नहीं? साफ पता चल रहा है शक्ल से कि मेरी प्यारी भोली भाली बहन को मोहब्बत हो गई है। उस सालार ने ना दिल जीत लिया है आपका। तुम सिर्फ और सिर्फ दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करना, किसी से मोहब्बत मत कर बैठना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मतलब ऐसा नहीं कर सकती? ये बस में नहीं होता, कमबख्त इंसान को बेबस कर देती है। उससे आपने मोहब्बत की होगी, क्या किस्मत वाला होगा वो। खुशी नहीं है, थोड़ा सा तो खुश हो जाए। सालार, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, आदतें अलग हैं, सोच मुख्तलिफ है, लेकिन अब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये सब रंग रूप नस्ल अमीरी गरीबी देखकर तो नहीं होता ना। सोनी, विल यू मैरी मी? मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं, प्लीज इसमें आकर मुकम्मल कर दो। लेकिन सोच कर जवाब देना। लेकिन जवाब ऐसा हो जो मेरी उम्मीदें ना तोड़े। जो हमने
रब ने मानी कहने लगी खामोशी जो हमने सुनी रब ने आपने क्यों जहमत की, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपका अपना घर है, जब जब चाहे आए। हाँ ये बात तो है। वैसे इश्फाक एक बात बिल्कुल सही कही तुमने भाई, इस घर को अपना घर बनाना ही पड़ेगा। तुम बाहर जाओ, लेकिन तुमसे उकता गया हूँ। क्या हुआ भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? रिश्तेदारी बनाने आया हूँ, समझी बनोगे, रोहेल के लिए जोनी दोगे? इरफान भाई, ये तो आपका हम गरीबों पे एक और एहसान होगा। यार ये एहसान एहसान वाली बातें ना क्या करो तुम से। कैसे ना करो, हमेशा हर सुख दुख में आपने साथ दिया हमारा। इस तरह की बातें करोगे तो उठ के चले जाऊंगा और इनकार समझूंगा तुम्हारी तरफ से। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी तरफ से कभी इनकार हो ही नहीं सकता। भाभी आपको
मैं भला क्या कह सकती हूँ भाई साहब, रोहेल मुझे बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। माशाल्लाह इतना सुलझा हुआ समझदार बच्चा है। हमें भला अपनी जूनी के लिए और क्या चाहिए। लेकिन अब लेकिन लेकिन क्या सबीन, सुनी से उसकी मर्जी भी तो मालूम कर लेना, वो क्या चाहती। अरे उसे भला क्यों इनकार होगा। हाँ हाँ भाई, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, रोहेल के साथ खुश रहेगी वो, ख्याल रखूंगा जैसे आप लोगों का रखता हूँ। जी जी बिल्कुल। फिर मुबारक। अरे खोलो अपने आसम ढाई, तू प्लेट वगैरह लेके आओ। जी मैं अभी लेकर आई। जल्दी आओ, समथिंग स्पेशल। सलार, और कितना इंतजार करवाओगी, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैंने इसमें लिख दिया है, तुम पढ़ लो। नहीं, मैंने खुद इजहार किया था और अब तुम भी करोगी। सलार। बोलो। मुझे तुम अच्छी लगती हो। और मैं क्या, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकलवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ गई। मतलब ये मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं, और इन्हें लगता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। मैं सलार शाह। सब तो देख रहे हैं, चलो यहां से। ख्वाब टूट गया, fairy tale खत्म। सलार तुम मजाक कर रहे हो तो मत करो। मजाक तो तुमने बना के रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे सारा, और ये कहती है कि मैं दोगला हूँ, मैं आवारा हूँ और मैं गुंडा हूँ। हाँ मैं यही हूँ। अब देखो और बताओ कैसा लगा। तुम जैसी 100 लड़कियां मेरे आसपास फिरती हैं पर मरती हैं, और तुम्हें लगा मैं तुम जैसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा जिसका कोई स्टेटस ही नहीं। जिस दिन तुमने मेरी बेइज्जती की उसी दिन मैंने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई कि एक दिन तुम मेरी मोहब्बत में पड़ोगे, और वो दिन आज का है। देख लो दोस्तों, मिस खुददार, मिस जुनैरा अशफाक खुद आई है मेरे पास
अपना मोहब्बत नामा लेकर। सालार, I love you. सोनी। खेल खत्म हो गया सुनहरा मैम और मिस सुनहरा, आइंदा मेरे आस पास नजर भी मत आना, क्योंकि मोहब्बत तो मैं किसी से करता नहीं, लेकिन तुमसे नफरत बहुत करता हूं। तुम क्या मोहब्बत करोगे मुझसे? तुमने तो मेरा तमाशा बना के रख दिया सबके सामने। तुम सिर्फ एक शर्त के लिए इतना गिर जाओगे सलार, मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना गिर जाओगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। तुम्हारे पास जिंदगी की सारी आसाइशें होंगी, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। Really? पैसे में इतनी ताकत है कि कुछ भी खरीद सकता हूँ। Understand? ये लोग सही कहते थे कि तुम गुंडे हो। आवाज। Hey! बस। बहुत सुन लिया। तुम खुद आई थी मेरे करीब, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। अरे तुम तो शायद खुद मेरे साथ नो दिल टूटा है, इतना गुस्सा तो आएगा। आई नो, get lost. होंगी, लेकिन
आगे सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। इतना तेज बुखार है, गरम लोहे की तरह तप रही है मेरी बच्ची। और सब क्या लगता है आपको, कब तक ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची? देखिए मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए। इनके से अगर नहीं आता तब फिर एडमिट करना पड़ेगा। बेटा क्या हुआ था, कॉलेज में किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं, मुझे क्या पता, तो उसकी कॉल आई थी इसलिए देखने चला आया। और वैसे भी जब होश में आएगी तो आप खुद ही पूछ लेगा इससे। तुम्हारी वो दोस्त नजर नहीं आ रही सोनी। क्यों पूछ रहे हो? मैं उसे मिस कर रहा हूँ, उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, कैसी है वो? पछतावा, गिल्ट, शर्मिंदगी, कुछ तो होगा उसके चेहरे पर। बस उसे ही मिस कर रहा था। पता है क्या, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं, उसे आनी चाहिए। सच्ची मोहब्बत कर बैठी है वो तुमसे, कल रात से बुखार में तप रही है। पता है कोई भी इंसान ना किसी के जज्बात के साथ इस तरह नहीं खेलता जिस तरह तुमने खेला है सालार। तुम चाहते हो ना वो मर जाए, चाहते हो वो मर जाए तो फिर ठीक है, अल्लाह करे वो मर जाए ताकि उसे तुम्हारी दीवी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। Shame on you, Salah. Shame on you. Salah, chal. कोई भी इंसान किसी के जज्बात के साथ इस तरह नहीं खेलता जिस तरह तुमने खेला है सालार। तुम क्या मोहब्बत करोगे मुझसे? तुमने तो मेरा तमाशा बना के रख दिया सबके सामने। तुम सिर्फ एक शर्त के लिए इतना गिर जाओगे सालार, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ना बताएं, बस ये पी लीजिएगा। तुमने अपने घर वालों को बताया? कारनामा ही ऐसा था, क्या बताती सबको। तुम कॉलेज कब आओगी? अब शायद कभी भी ना हो। तुम सालार की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी? उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। प्लीज जाकर उसे वापस कर देना। क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? अगर तुम ऐसे करोगी तो वो तो कामयाब हो जाएगा ना।
चाहता है कि तुम मुझ पाके बैठी रहो। फरा, गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। तो बस जाकर ये उसे वापस कर दो। सर और कुछ चाहिए? वो कॉलेज आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो नहीं आई थी, लेकिन उसने ये भिजवा दिया। सलार, तुम भी वापस आ जाओ। आखिर कब तक क्लासेस बंक करोगे? हर वक्त जिद नहीं होती। सलार, मैं सब जानता हूं, जो तुमने किया और जो तुम्हारे साथ हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या किया, तुमने मेरे पीछे उससे मोहब्बत का खेल रचाया और सोचा कि मुझे मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? देखा उसे सबके सामने तुमसे कैसे बता दिया, देखा तुमने? मुझे धोखा दिया, उस सलार के लिए मुझे धोखा दिया। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? देखो, मैं सब कुछ जानते हुए भी मैंने बाबा से कहा कि तुम्हें प्रपोजल भेजे। मैंने सब कुछ जानता हूं मैं, उसके बावजूद मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं। तुम्हें अपनाना चाह रहा हूं। हालांकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम सब कुछ खो चुकी हो। क्या करें, बचपन की दोस्ती है, इतना भ्रम तो मैं तुम्हारा रख ही सकता हूं। चला गया जूनी बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे मंजूर है,
रुहेल ने बात की तुमसे? उससे शादी के लिए तैयार हूं। क्या बात है बेटा, तुम बदली हुई क्यों लग रही हो? पापा से कह दीजिएगा जूनी ने शादी के लिए हाँ कह दी है। सालार को छोड़कर रोहेल से शादी करोगी? तुम जैसी लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा जिसका कोई स्टेटस ही नहीं। मोहब्बत रास नहीं आई मुझे। नहीं सोनी, प्लीज ऐसा मत करो अपने साथ। नहीं करो ये शादी। देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, मुझे शिकार करने के बाद जो शिकार की तड़प होती है ना, वो देखने थी। मुझे जाना है, हटो मेरे रास्ते से। अभी तक इतनी अकड़? हटो मेरे रास्ते से। ऐसा लगा था, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मोहब्बत में एतबार पर किसी ने दिल पर रख के थप्पड़ मारा और सब खत्म हो गया। ऐसा लगा था।
जानना चाहती हूँ कैसा लगा था। ऐसा ही लगा था जैसे मोहब्बत में एतबार पर किसी ने दिल पर रख के थप्पड़ मारा हो और सब खत्म हो गया हो, ऐसा लगा था। वक्त है घर आने का। आज देर हो गई। रोज देर होती है, रोज देर से घर आते हो, सारा दिन सोते रहते हो, मेरे घर में रहते हो और मुझे सलाम तक नहीं करते हो तुम। मैं वापस चला जाता हूं। रुको, इधर आओ।
क्या हुलिया बना रखा है तुमने? दाढ़ी देखी अपनी कितनी बड़ी हुई है, बाल देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती बाप के सामने शराब पीते हुए? एक शराबी दूसरे पर मुकदमा करते हुए कि जज साहब इसे भी फांसी पर लटकाया जाए क्योंकि ये भी मेरी तरह शराब पीता है। शट अप! मेरे सामने ऐसे बोलते हो? बाप हूं मैं तुम्हारा, बाप है आप, मेरे बाप हैं। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप मेरे बाप हैं? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? कुछ पता भी आपको किस तकलीफ से गुजर रहा है आपका बेटा? क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए? पैसा 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 पैसा, मुझे खरीदा है या पैदा किया है? पैसा मोहब्बत लाकर नहीं देता, पैसे से एहसास नहीं खरीदा जा सकता, पैसा सिर्फ झूठ और कुछ नहीं। अगर आपको अपने पैसे का इतना ही घमंड है तो मुझे वो लाकर दे दे जो मुझसे छिन चुका है, जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपने मैं जीत कर भी हारा हुआ लगता हूँ, अपनी नजरों में गिर रहा हूँ। मैं टूट चुका हूँ, बस मैं टूट चुका हूँ, बर्बाद हो गया। यही पहन कर आऊंगी। सुनिए, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अम्मा को बता क्यों नहीं देती हो कि तुम्हें रुहेल से नहीं सालार से शादी करनी है? सालार से मोहब्बत करती हो। कितनी बार कहा है तुमसे, इसका नाम मत लिया करो मेरे साथ। क्यों ना लो, तुम मेरे मामलों से दूर रहो। सोनी, मैं इस तरह नहीं देख सकती, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जो तैयार हो ना, रुहेल मेरा वेट कर रहा है। वही रुहेल जो हर वक्त अपने एहसान जताता रहता है तुम पर, उसका और सालार का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, रुहेल और सालार का कोई मुकाबला नहीं है। रुहेल ने मोहब्बत के नाम पर मुझसे बदला नहीं लिया, सबके सामने मुझे जलील नहीं किया, लेकिन उस सालार ने किया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप सब लोग मेरी इस पार्टी में आए। ये पार्टी एक और वजह से मेरे लिए बहुत खास है। Guess what? मेरी और सुनहरा की शादी होने वाली है गाइस, चीयर अप! Come on, please. Guys, cheer up! जूनी रुहेल के साथ आई हुई है, उसकी शादी हो रही है। बॉबी की पार्टी हो रही है यहाँ पे घर। सलार क्या हो गया? वो किसी से शादी कैसे कर सकती है? वो मुझसे मोहब्बत करती है, किसी दूसरे से शादी कैसे कर सकती है? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा।
डांस क्यों नहीं कर रही? कम ऑन रोहिल, मैं डांस नहीं करती। आज के दिन तो डांस बनता है यार। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों, तुम्हें मेरे साथ डांस करना अच्छा नहीं लग रहा या फिर तुम्हें किसी की याद आ रही है? सलार की? हाँ कम ऑन डांस करते हैं आज। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सलार नहीं हूं जो बर्दाश्त कर लूंगा। मैं रोहेल हूं, सूद समेत तुम्हें वापस करूंगा, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे उस सोने के बीच में आने की? ये हिम्मत मुझे सोने की मोहब्बत ने दी है। जूनी चलो, तुम उसको यहां से लेके नहीं जा सकते। इसमें हिम्मत है मुझे रोक के दिखाए। हट चलो। अच्छा मैं रोकूंगा। सुनी सर मेरी है, सर मेरी। तूने अगर उसको हाथ भी लगाया तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। सलार दंग है, सोच रहा भी नहीं उसके बारे में। छोड़ दो मैं, चल सलार। वो मुझसे मोहब्बत करती है, चल मुझसे। सलार चल बस। मुझसे मोहब्बत करती है, सोचना भी नहीं आइंदा, समझे? सलार बस चल, सलार चल बस कर। सॉरी जूनी, प्लीज मेरे पास लौट आओ।
क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए? लगता है सारी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है उसका। खड़ा रहे। अब्बा ने देख लिया तो? पापा ने देख लिया तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या हो गया? वो आपसे मिलने आए हैं, एक दफा जाकर बात तो कर लें उससे। मुझे नहीं करनी उससे बात। अगर नहीं बात करनी उससे तो जाकर कहो कि यहाँ से चला जाए। शादी का घर है, किसी ने देख लिया ना तो लोग बातें बनाएंगे। तुम उससे जाके कहो कि यहाँ से चला जाए। वो मेरे कहने से नहीं जाएगा, आपको ही जाकर उसे कहना पड़ेगा कि यहाँ से जाए। उस दिन जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसके बाद कैसे कह दूं आज उसे कि चला जाए यहाँ से। आप उस रोहेल से सिर्फ इसीलिए शादी कर रही हैं क्योंकि हमारे अब्बा के ऊपर उसके अब्बा के एहसान है। ये मौका चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, इसलिए प्लीज जाकर एक दफा उससे बात कर ले। क्यों आए हो सलार? चले जाओ यहाँ से, मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती यहाँ पे किसी का। सुनी, मैं चला जाऊंगा, बस तुम रोहेल से शादी मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकता। मुझे दर्द होता है। दर्द? दूसरों को दर्द देने वाला खुद दर्द लेना कब सीख गया? जब से तुम्हें दुख पहुंचाया है तब से। सुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या होता जा रहा है। क्या ये एहसास से जुर्म है या तुम्हारी बदुआ या ये मोहब्बत है जो मुझे सुकून से जीने नहीं देती। प्लीज मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो या अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो या मेरे पास लौट आओ। तुमने देर कर दी है सलार, कल मेरी माँ यूं है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो जूदी? इसी की सजा मिल रही है मुझे। जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई देख ले चले जाओ। सुनी प्लीज, सुनी मत जाओ, सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर देखो, मैं थाम लूंगा। अब थामना कैसा जब गिराया ही तुमने। Oh,
लगा था, ऐसा ही लगा था जैसे मोहब्बत में एतबार पर किसी ने दिल पर रख के थप्पड़ मारा हो और सब खत्म हो गया हो। के इस हालत की वजह इस लड़की से मोहब्बत करता है, ये उसकी शादी का कार्ड है। सालार, सालार तुम आगे बेटा। सालार बेटा, आप दोनों एक साथ एक छत के नीचे और इतनी खामोशी। मैं आ गई हूँ बेटा, देर हो गई है। सालार, बेटा जुबैर ने हमें सब कुछ बता दिया है। कौन है वो लड़की मुझे बताओ बेटा, मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊंगा तुम्हारे। जुनी नाम है ना उसका, मैं जाऊंगी सालार से बात करने, मैं उसको मना दूंगी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे देर कर दी आपने, आज उसका माहियो है, माहियो उसकी शादी होने वाली है। आज तक जिस लड़की को मैंने शिद्दत से चाहा, मैंने आज उसकी भी बेइज्जती की, उससे भी नफरत की। मामा, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं सालार बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसे लगता है, वो कहती है देर हो गई है सलार, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। सलार, अरे माय गॉड, प्लीज कुछ करो, हमें वहां जाना चाहिए। कुछ अपने बेटे की हालत नहीं देखी जा सकती, कुछ करो ना। मैं जुबैर को कहता हूँ हमें वहां छोड़ा है। ये सालार कौन है? उसके माँ बाप आए तुम्हारा रिश्ता देकर? हमें पहले पता होता तो सबसे पहले हम ही अपनी झोली आपके आगे फैलाते। भाई साहब, सालार ने हमें आज ही बताया, पर हमारे बेटे की खुशी आपकी जोनी में है। हमें अपने बेटे की खुशियां दे दें भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रही है बहन आप? हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। देखिए, इरफान भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। आपने अपनी बेटी से पूछा है कि वो उस लड़के से शादी भी करना चाहती है या नहीं? वो मेरी बेटी है, उसे बाप का मान रखना आता है। हम भी बहुत मान लेकर आए हैं आपके पास। सालार हमारा इकलौता बेटा है और उसकी जुबान पे सिर्फ आपकी जूनी का नाम है। तो आप अपने बेटे को समझाइए ना, हमारी बेटी की शादी तय हो चुकी है और वो वहीं शादी करेगी। Thank you.
मेरा सालार हमेशा ऐसा नहीं था जूनी, वो तो मेरा बहुत अच्छा बहुत प्यारा बेटा था। मैं ही उसे छोड़कर चली गई थी जिसकी वजह से उसे दुनिया की हर औरत से नफरत हो गई, मगर तुमसे उसने सच्ची मोहब्बत की है। मैंने तुझे मना किया था ना कि कॉलेज में कुछ ऐसा वैसा मत करना, फिर भी तुमने कर तो रही हूँ आपकी मर्जी से शादी। आपका नाम बदनाम तो नहीं किया ना, बाबा का आपका मान तो नहीं तोड़ा, चाहे खुद टूट गई हो लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ी। सुना उसकी आज शादी है, टोली उठने वाली, चलो एक रेस लगाते। नहीं सलार, आज रहने दे, तू होश में नहीं है। ये शराब का नशा नहीं, मेरे गम का नशा है। मैं खुश हूं, चल। सलार प्लीज मेरी जान, मान जा मेरी बात, आज रहने देते हैं। क्या यार, ऐसा दोस्त है, आज तो फुल तबाही हो गई, आज तो मान ले मेरी बात। आजा लगाते हैं क्रेस। हमने बांधो है तेरे इश्क का एक्सीडेंट? बेटा आओ। आओ बेटा आओ।
मैं तुम्हारी मोहब्बत को मरते नहीं देख सकती जूनी। तुम भी जाओ वहां जहां तुम्हारा प्यार है। देखिए ऑपरेशन तो कामयाब हो गया लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि उसे होश कब तक आएगा। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? उसके सर पे चोटें आई हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि उसे जल्द होश आ जाए। सुनी आ गई, तुम्हें मेरी कसम आंखें खोलो, मैं नहीं देख सकती हूं तुम्हें इस हाल में। अपनी आंखें खोलो, अपनी सुनी के लिए आंखें खोलो। या तो मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो या फिर मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ। लौट आओ प्लीज। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। पास आ गई हूं। नहीं से मत उतारो सलार। सोनी रॉयल, अब हमारे बीच कोई नहीं है, ना ये जमाना ना ही रूहेल।
शादी से भाग कर आई हो। मुजवारा से शादी करोगी? तुम यहां से उठोगे तो करूंगी ना। मैं जिंदा हूं, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। सोनी, सालार ठीक हो ना बेटा? हमने बांधा।